हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टे मीठे आम का गलका। गलका तो आपने कई बार बनाया खाया होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग टच दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है गाइस। तो आप इसको महीनों तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं बिना देरी करते हुए खट्टे मीठे आम का गलका। तो इसके लिए मैंने लिया है करीब 1.5 किलो आम। अब हम आम का छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ये मैंने लिया है सौंफ, ये मेथी, ये कलौंजी ली है मैंने। आइए सबसे पहले हम मसालों को रोस्ट करते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें 1 चम्मच के करीब सूखी मेथी डाल दी है। सूखी मेथी हमने 1 चम्मच ही डालनी है गाइस, ज़्यादा होने से ये कड़वी लगेगी। 3 चम्मच के करीब मैंने ये सौंफ डाल दिया है। ये 1/4 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है। कलौंजी भी आप थोड़ी ही डालिए, नहीं तो इसमें कड़वापन आएगा। अब हम इसको हल्का सा मीडियम आँच में इसको ऐसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हल्का सा मैंने इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल कर, ये देखिए, इसमें ग्राइंडर जार में इसको हमने दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है इसको, ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना है। ये मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम चीनी। आइए अब हम तड़का लगाते हैं। सबसे पहले मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरे को हमने ये हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये छोटे पीस में कटे हुए आम। हमने इसको डालकर ऐसे धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। ऐसे हमने चलाते हुए 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये जो मैंने मसाले दरदरे पीसे थे, ये डाल दिया हमने। 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करेंगे। ऐसे करने से गाइस जो हमारा आम है बढ़िया से पक जाएगा और मसाले भी बढ़िया से इसमें ये मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, बढ़िया से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। करीब हमने 200 ग्राम चीनी डालना है और ये हमने 200 ग्राम ही गुड़ डालना है। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा और स्वादिष्ट लगता है गाइस। ये देखिए, धीरे धीरे हमारी चीनी इसमें ये देखिए घुलने लगी है। हमने गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। ये ऐसे चलाते हुए ये देखिए, अब हम इसको मीडियम आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में अब हम ढककर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद बिल्कुल हमारी चीनी और गुड़ इसमें बिल्कुल घुल चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे काला नमक 1/2 चम्मच के करीब। इसका जो स्वाद है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम डाल देंगे ये धनिया पाउडर, इसका भी स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। ये 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, इसका थोड़ा सा गाइस करारापन आएगा इसमें। तो इसको हमने ये देखिए बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे
एक कप के करीब हमने इसमें पानी डाल देना है। इसको हम ऐसे मिक्स करके ये 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल पककर तैयार है। ये देखिए हमारा खट्टे मीठे आम का गलका बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। ये देखिए गाइस हमारा खट्टे मीठे आम का गलका बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज बना हुआ है। आप इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ, इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप भी गलका बनाते होंगे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाया है। आप इसको फ्रिज में रखकर 1 महीने तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा गाइस। तो आपको हमारी ईजी और टेस्टी वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।